नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सिंह सना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बूंदी जिले के हिंडौली कस्बे में हुई गुटखो पर कार्यवाही। हिंडौली थाना कस्बे में गुरुवार शाम को पुलिस ने एक युवक के पास से जर्दे गुटके से भरा बैग पकड़ा। एएसआई परमेश्वर चौधरी ने बताया कि कस्बे में जितेंद्र महाजन एक बैग में जर्दा गुटखा भरकर कहीं ले जा रहा था। बैग में तलाशी लेने पर उसमें जर्दे गुटके के पैकेट पाए गए। मौके से अलोद निवासी जितेंद्र महाजन को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर भी पाबंदी के बाद बड़ी कालाबाजारी और खुलेआम हिंडौली कस्बे में बड़ी बड़ी दुकान वाले बेच रहे हैं गुटखा और तंबाकू पान मसाले। जी हां, आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा तंबाकू, गुटखा एवं पान मसाले पर रोक लगाई गई थी। इस प्रकार के सामान बेचना आपराधिक कृत्य माना जाएगा, लेकिन पान मसाला खाने वालों की मांग के चलते दुकानदार गोदाम में पड़े माल को न सिर्फ खपाने अपितु ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। इन पान मसालों की कीमत में आए दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने पुराना स्टॉक चोरी छिपे मनमर्जी के दामों पर बेचना शुरू कर दिया। पान मसाले के शौकीन लोगों ने बताया कि पान मसाले की 4 गुना से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। दुकान वाले केवल जान पहचान वाले या रेगुलर ग्राहक को ही दे रहे हैं। जहां विमल पान मसाले का पैकेट 120 रुपए का आता था, वहीं उसका दाम 400 रुपए हो गया। वैसे ही 1 रुपए के पाउच के 5 रुपए और 5 रुपए के पाउच के 15 से 20 रुपए तक लिए जा रहे हैं। ये कालाबाजारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 10 दिन पूर्व तक तो खुलेआम तंबाकू और पान मसाले बेचे जा रहे थे, लेकिन अब स्टॉक कम होने से एवं सप्लाई नहीं होने से केवल बड़े दुकानदार ही इन्हें बेच रहे हैं। शौकीन लोगों को मुश्किल से सही लेकिन पान मसाला मिल रहा है, इसलिए कोई शिकायत नहीं कि प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। एक तरह तो प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाता हुआ दिखाई दिया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। उधर बड़े बड़े दुकानदार इन्हें बेच रहे हैं। या तो प्रशासन को सारी दुकानों और गोदामों का माल जब्त कर लेना चाहिए ताकि कालाबाजारी पर और लॉकडाउन में इनकी बिक्री पर रोक लग सके, या सार्वजनिक जगहों पर न खाने की गाइडलाइन के साथ इनकी बिक्री चलने देनी चाहिए, क्योंकि जर्दा और पान मसाला वैसे भी कालाबाजारी के साथ बिक ही रहा है। यदि पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर सारा माल जब्त कर लिया तो न कालाबाजारी की जाएगी और न ही लोग खरीद पाएंगे। फिलहाल कस्बे में चोरी छिपे लोगों को पान मसाला और जर्दा बेचा जा रहा है। जो लोग अपने गरीब को बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वो इसमें महंगे दामों पर मिल रहे जर्दे को खरीद रहे हैं, इस लत से लगभग 50% से अधिक लोग ग्रसित है। ऐसे में सरकार को या तो पूर्णतः बंद कर देना चाहिए या जहां कोरोना संक्रमण नहीं है वहां बिक्री जारी रखनी चाहिए ताकि कालाबाजारी बंद की जा सके। गुटके पे क्या परेशानी आ रही है आपके? मैं तो गुटखा खाता नहीं हूँ, बाकी खाने वाले बोल रहे हैं कि 5 रुपए की विमल की पूरी 50 रुपए में बेची जा रही है। आम आदमी परेशान है, खाने वाले इतने आदि हो गए तंबाकू के कि उनके फ्रेस होना नहीं आता है उसके बिना। 5 रुपए के पाउच के आराम से 500 रुपए 800-800 रुपए में विमल का पैकेट बिक रहा है, और लोकल आदमी जाता है तो मना कर देते हैं। बाहर के आदमी को 600-600 रुपए में ब्लैक कर रहे हैं। सरकार लगा रखी है ना पाबंदी, लगा रखी है, ब्लैक तो हो रहा है साहब, गोदाम भर रखे मिराज की एजेंसी वालों ने अपना। आपका नाम? विशाल राठौर। हाँ बताइए, क्या परेशानी आ रही है गुटके के ऊपर? आप छोटी दुकान वाले क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हम सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यापारी लोग हैं ये आज तानसेन का पैकेट जो 200 रुपये कुछ का मिलता था वो आज 800 रुपये मिल रहा है, और हम इसको खरीदने में बहुत असमर्थ हो रहे हैं इस वजह से। वहीं बूंदी में जिला ब्लड बैंक पहुंचे तालेड़ा के 6 युवा। बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र के 6 युवाओं ने गुरुवार को बूंदी जिला ब्लड बैंक में पहुंचकर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल जैन तालेड़ा की पहल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा की मौजूदगी में जिला ब्लड बैंक में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले अर्पित भाट डोरा, लोकेश मीणा तालेड़ा, राकेश पांचाल अक्सारा, नितेश प्रजापत जरखोदा, त्रिलोक जाट ठिकरिया, तरुण जैन ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान
रक्त की बढ़ती हुई कमी को देखकर जैन की प्रेरणा पर हमने स्वैच्छिक रक्तदान करने की इच्छा जताई, जिसके चलते आज रक्तदान किया गया। इस दौरान जैन ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमारी टीम ने 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है, जिसकी एक सूची पूर्व में तालेडा के उपकरण अधिकारी रजत विजयवर्गीय को सौंप दी थी। वह जल्द ही शेष बचे युवाओं एवं लोगों को भी बूंदी ब्लड बैंक लाकर रक्तदान करवाया जाएगा। जैन ने बताया कि कोरोना के चलते 5-5 व्यक्तियों के समूह को अलग अलग रक्तदान करवाया जाएगा। इस दौरान मौजूद विधायक अशोक डोगर ने इस मुश्किल घड़ी में रक्तदान के लिए आगे आए जैन एवं 6 युवाओं का धन्यवाद भी जताया। जी बताइए, कोरोना वायरस जो महामारी अभी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो हमने देखा कि धीरे धीरे पूरे बूंदी जिले में रक्त की काफ़ी कमी है और थैलीसीमिया जो पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए रक्त की कमी आ रही थी। तो हमारी टीम ने एक बीड़ा उठाया और हमने प्रयास करके एक टीम का गठन किया। उसकी लिस्ट हमने पहले तालेडा के एसडीएम को भी दी थी। इसी क्रम में 5 जनों ने तो पूर्व में हमने रक्तदान करा दिया है। और ये कालवाड़ के बॉलीवुड अभिनेता अमन प्रजापत लोगों को खाद्य सामग्री में मास्क का वितरण करते हुए नजर आए। कालवाड़ में ग्राम पंचायत मंडा बोपावास के बॉलीवुड अभिनेता अमन प्रजापत वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। अपने पिता सावरमल प्रजापत के माध्यम से अपने गांव के साथ अपने आसपास के इलाकों में मास्क, राशन, दवा, राहत किट वितरण करने का काम बखूबी कर रहे हैं। गांव मंडा बोपावास सरपंच प्रत्याशी सौरभ प्रजापत के माध्यम से ये गांव में वितरित करवा रहे हैं। अभिनेता के पिता सावरमल का कहना है कि उनका बेटा अमन प्रजापत और सौरभ प्रजापत समाज सेवक बनकर देश सेवा में हमेशा से आगे रहे हैं और सबको साथ मिलकर कोविड-19 के अंतिम दौर तक एक तरह जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पूर्व राज्यसभा सांसद बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा भी इस मौके पर गांव में आए थे, तब अभिनेता अमन प्रजापत भी उनके साथ हैं। गोविंदा ने लोगों से कहा था कि मैं मुसीबत में उनके साथ हूं। जहां आज पूरा देश इस वैश्विक महामारी से निजात पाने में लगा हुआ है, वहीं अभिनेता गोविंदा भी इन लोगों के समक्ष आने की कोशिश करना चाहते थे, पर यह जिम्मेदारी उन्होंने अभिनेता बॉलीवुड अमन प्रजापत को दी और उन्होंने कहा कि जरूरत के समय में मैं आपके साथ रहूंगा। लॉकडाउन होने की वजह से अभिनेता गोविंदा यहां नहीं पहुंच पाए, इस बात का उनको मलाल है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है वे हर समस्या का निदान करवाएंगे और गरीबों के हित में कार्य करवाएंगे। वहीं सौरभ प्रजापत भी गरीबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। इस मौके पर अजय प्रजापत, राहुल राठौड़ सहित प्रमुख मुख्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।